Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. मैं हूँ महक और आप लोगों की स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है मैक एन इंडियन मॉम फ्रॉम आसाम। तो आज मैं एक सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो है पास्ता की रेसिपी, वो भी देसी स्टाइल में। चलिए मेरे साथ मैं कैसे बनाती हूँ पास्ता की रेसिपी देखिए एंड तक वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो नए मेरे चैनल पर आते हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। तो यहाँ पे मैंने मैकरोनी को ऑलरेडी बॉईल कर रखा था, एक प्याज, जिंजर, चार कलियाँ लहसुन की, थोड़ा सा अदरक और एक टमाटर बिल्कुल बारीक कटा हुआ। यहाँ पे एक कढ़ाई पे मैं ले लूँगी मस्टर्ड ऑयल, आप चाहो तो व्हाइट ऑयल से भी इसको कुक कर सकते हो। और जब ऑयल अच्छी तरह से हीट हो जाए देन यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी ऑनियन और ऑनियन के साथ गार्लिक भी मैं डाल लूँगी एक साथ ही। दोनों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और ये दोनों जब थोड़ा सा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए देन मैं ऐड कर लूँगी बिल्कुल चॉप किया हुआ अदरक, और अदरक से इसका टेस्ट इन्हेंस होता है तो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इन सभी को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद जो बारीक काट करके रखा था टोमेटो उसमें इसको ऐड करूँगी और थोड़ा सा यहाँ पे डालूँगी जीरा पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल हल्दी पाउडर, दैट्स इट, और नमक अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। अब इस स्पेस पे आप अगर चाहो तो तीखा चाहिए तो आप इस पर चिलीज भी डाल सकते हो लेकिन मैंने ऐड नहीं किया है। तो अब पूरी जब टमेटो सॉफ्ट हो जाए देन मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी अपनी बॉईल जो करके रखा था मैंने पास्ता, इसको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी इन सभी मसालों के साथ। इस तरह से देसी तरीके से भी अच्छा लगता है, ज़रूर अपने घर पे कभी बना के देखिएगा। और जो ऑलरेडी बना चुके हो उनको तो पता ही है कितनी अच्छी बनती है। तो थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद यहाँ पे एंड में मैं डाल लूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा तीखा जरूरी है, उतना नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग तो आप तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया और इन सभी को अच्छी तरह से मैं मिक्स करके थोड़ा सा और भून लूँगी देन रेडी हो गया मेरा पास्ता। और इसी तरह से आप इसमें हर्ब्स या कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा सिंपल ही बनाया है लेकिन खाने में बहुत ज़बरदस्त बनती है, अगर आप चाहो तो बना सकते हो अपने घर पर, काफ़ी अच्छा बनता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो देखिए रेडी हो गया मेरा पास्ता। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा मेरी भी इस वीडियो में, और अब मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलती हूँ नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।